नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपका कोई एक YouTube चैनल पहले से ही आपके पास है और आप फिर से एक और YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, जो न्यू होगा, नया बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएं, और वो भी आपका पहले जो ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी पर आप दूसरा चैनल कैसे क्रिएट कर पाएंगे, वो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप एक ही ईमेल आईडी से दोनों चैनल को ऑपरेट कर पाएंगे और फिर से नया एक चैनल क्रिएट कर पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आपके पास पहले से ही एक YouTube चैनल है और आप फिर से नया चैनल बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले से जो YouTube चैनल है उस पर आपको ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इधर राइट साइड में ऊपर में आपका जो चैनल होगा इसका ऐसा एक दिखाएगा, और आप अपने YouTube चैनल पर यहाँ पर पहुँचने के बाद इसमें ढेर सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाने के बाद देखिए, यहाँ पर इस साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखिएगा और राइट साइड में देखिएगा, बहुत ढेर सारा चीज़ है। मगर आपको इस राइट साइड में आने के बाद यहाँ पर ऐड और मैनेज योर चैनल का एक लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर मेरा 3 चैनल ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर तीनों चैनल शो कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर फिर से एक नया चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट योर चैनल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना चैनल का नाम देना है, जो भी आप अपना चैनल का नया नाम रखना चाहते हैं वो आप नया नाम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैंने यहाँ पर एक नया चैनल का नाम दिया है कॉपीराइट फ्री, और यही चैनल का नाम मैंने यहाँ पर अभी रखा है। रखने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए, और टिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई योर अकाउंट का एक ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर आपको अपना जो अभी अभी चैनल आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप अपना यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप अपना कंट्री चूज कर लीजिए, और कंट्री यहाँ पर चूज करने के, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। और चूज करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर कंटिन्यू को प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि प्लीज इंटर अ फोन नंबर। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर देना होगा, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप कीजिए। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो भी उसका वेरीफाई करने के लिए मैसेज होगा वो आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर वॉइस कॉल के थ्रू आ सकता है। तो आप इसको यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं कि आपको टेक्स्ट में चाहिए या फिर आपको वॉइस कॉल में चाहिए। फिलहाल तो मुझे टेक्स्ट में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को ही रखा है, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इतना करने के बाद दोस्तों, आपका मोबाइल में इसका एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, वो कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। 6 का जो कोड आपको मिला है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, और आप यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं देखिए, यहाँ पर हमारा जो कॉपीराइट फ्री का हमने जो चैनल क्रिएट किया था वो यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर आप मैनेज वीडियो को मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप वीडियो को क्रिएट भी कर सकते हैं, वीडियो रख भी सकते हैं। दोस्तों हम एक बात और आपको बता दें कि आपने फिलहाल अभी अभी नया नया चैनल क्रिएट किया है तो आप इसमें 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप इससे ज़्यादा लंबी वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको अपने ईमेल से भी वेरीफाई करना होगा, वो भी ऑप्शन आपको इसमें दिखा सकता है। जैसे ही आप इसमें लंबी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, जो आपको ईमेल के साथ करना होगा। ईमेल के साथ जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे तो आप कितनी भी लंबी वीडियो हो आप वो डाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पर मैनेज वीडियो में जाऊँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर इसको आप, अगर आपका YouTube स्टूडियो से आप देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए, ये जो आप YouTube स्टूडियो में आप जो अपना वीडियो देखते थे वो आपको इसी फॉर्मेट में होता था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आप अपलोड वीडियो के थ्रू वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, जो पहले से आप चैनल अपडेट करते थे, क्रिएट करने के बाद जो आप चला रहे थे उसी तरह से इसको भी चला सकते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा सब्सक्राइब अभी 0 है, 0 से शुरुआत। फिर ये जैसा चैनल आपका पहले वाला नया चैनल था वैसी तरह से ये भी एक नया बन चुका है। अब इसमें उसी तरह से सारे प्रक्रियाएँ होंगी जो आपको नया चैनल के लिए करनी पड़ी थी, वो सारे आपको फिर 4000 का वॉच टाइम और
1000 सब्सक्राइबर आपको गेन करना होगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, आप लोग ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।